गाइस, क्यारा एडवानी का लहंगा मिल गया मुझे, जो एक्चुअल में मनीष मल्होत्रा वाले से बेटर लग रहा है। एग्जैक्ट, इसको मैं पहनने वाली हूँ। हम गलत दिन आ गए हैं, संडे है, लास्ट सेकेंड डे। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you are healthy and happy wherever you are. This is a Sunday morning. Log usually Sunday को आराम करते हैं, लेकिन हम Sunday को काम करते हैं, because आज मैं जा रही हूँ shoot पर. So चांदनी चौक जो होता है वो Sunday ही खाली होता है, मतलब अब तो वैसे भी सीजन चल रहा है, खाली कभी नहीं होता, but comparatively Sunday कम rush होता है, because काफ़ी सारी shops जो होती है चांदनी चौक में वो Sunday को बंद होती हैं. So मुझे एक दो काम से जाना है, मेरी फैमिली में भी वेडिंग है, मेरे कज़न की शादी आ रही है, मेरे मामा के बेटे की शादी है, सो दो तीन चीज़ें मुझे वो लेनी है, प्लस मुझे वापस उसी शॉप पे जाना है जहाँ से मैंने लहंगा बनवाया था जीनत. मेरे ब्लाउज में मुझे थोड़े से चेंजेस कराने हैं, सो मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया, वाज़ लाइक ये चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज साइड जिप वाला मेरे से अब नहीं पहना जा रहा. दे सेड वी कैन ट्राई, आप एक बार लेके आओ. तो मैं शायद उसका साइड जिप हटा के बैक जिप कराने वाली हूँ, एंड दे सेड काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई है, एक बार ज़रा देखने आना. सो आई वाज़ लाइक चलो ठीक है, आ जाती हूँ कलेक्शन देखने, आपको भी दिखा दूंगी. फाइनली चांदनी चौक के लोग मुझे अलाउ कर रहे हैं शूट करना, जो मैं पहले तरस गई थी अपनी शादी के टाइम. मैं लिटरली उस टाइम इतनी छुप छुप के फोटोज लेती थी, बिकॉज कोई अलाउ ही नहीं करता था, एंड नाउ लुक एट इट, अब लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, आओ शूट करो, एंड आई लव इट, बिकॉज घर बैठे बैठे आपको भी काफ़ी अच्छा कॉन्टेंट देखने को मिल जाता है. सो टास्क नंबर वन इज चांदनी चौक जाना, एंड उसके बाद अगर मैं टाइमली फ्री हो जाती हूँ, काफ़ी सारी सनस्क्रीन लगानी, सो उसके बाद अगर मैं टाइमली फ्री हो जाती हूँ यूजिंग द डर्माको सनस्क्रीन वेदर, सो मैं उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड फेयर जाने वाली हूँ, बिकॉज ट्रेड फेयर कल हो रहा है ख़त्म, और मैंने ट्रेड फेयर अटेंड नहीं किया, आई थिंक कोविड के बाद नहीं किया, कोविड से पहले मैं एक बार गई थी अपनी मदर के साथ. हम बहुत जाते थे, हर साल जाते थे, हमारा रिचुअल होता था ट्रेड फेयर जाएंगे, वहाँ पे वो सैंडविचेस खाते थे चटनी वाले, काफ़ी सारे उसमें जाते थे, अलग अलग स्टेट्स के और कंट्रीज़ के जो लगे होते हैं. सो अगर टाइम मिला तो मैं जाने वाली हूँ. आई एम गोइंग विद माई इंटर्न, मैंने फाइनली एक इंटर्न हायर कर लिया आउटडोर शूट्स के लिए, बिकॉज मेरे से अकेले नहीं हो पाता. सो शी इज़ काइंड ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड नाउ, सो उसने बोल दिया हाँ चलेंगे पूरे दिन के लिए, वो भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ, सो लेट्स सी हाउ दिस डे गोज. सो मुझे अभी फटाफट तैयार होने दो, एंड लेट्स गेस. सो गली तो थी एक, हाँ यही है, यही है, इन्होंने गेट बंद कर रखा है. दिस इज द शॉर्टकट वाली एग्जिट. तो धक्के पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश था, फ़ोन भी निकाला नहीं जा रहा था. फर्स्ट ऑफ कमिंग ऑन संडे. अपना लहंगा पिक करने आई थी ना, तो मैंने ये वाला स्वेटर पहना था, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है. हाँ तब हल्की हल्की ठंड थी, मैंने यही वाला पहना था, और अब मैं मोटी हो गई हूँ. चलो हाँ, पोस्ट वेडिंग लहंगे ही लहंगे. क्या है वो क्यारा वाला है गाइस, क्यारा एडवानी का लहंगा मिल गया मुझे, जो एक्चुअल में मनीष मल्होत्रा वाले से बेटर लग रहा है. एग्जैक्ट, इसको मैं पहनने वाली हूँ. इसको ट्राई करेंगे, मैं अपने अरमान पूरे करूँगी सारे महंगे ट्राई करके. ये भी करना ट्राई, यहाँ से निकल जाएगा ना इसका. हाँ ये यहाँ से हुक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, साइड से आपका पूरा. हाँ ये ना थोड़ा पहनना नहीं जाता, ठीक है ये रख लो. काचू भी फिट आ चुका.
इंस्टाग्राम है और ये इसको पत्रा बोलते हैं, पत्रा तो इसमें भी कलर कस्टमाइज हो जाता है ना। हाँ, वैसे रनिंग कलर तो यही है सबसे ज्यादा ना। क्या एग्जैक्टली क्या कहते हैं वाले कलर को? शैम्पेन गोल्ड चाहिए ना, वो आइवरी हो जाएगा। और इसका ब्लाउज है, ये ब्लाउज है ब्लाउज का तो बना। हाँ, वो जैसा आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सब मेक टू ऑर्डर सारी चीज़ हो जाती है। सारा हैंडवर्क का है, काम है, दरदोजी है, पल का भी काम है और फ्रेंच नोट का भी काम है। और ये जाल बोलते हैं ना इसको? ये जाल है, सारा सीक्वेंस का नेट के ऊपर आएगा, फैब्रिक पे सिल्क का पैच आएगा, पूरा है जाल का। दरदोजी का वर्क आएगा सारा स्टाइलिश। हाँ, ये वेलवेट, ये रॉ सिल्क पे है, ब्लाउज वेलवेट, ब्लाउज वेलवेट पे। Thank you.
कलर कौन सा अच्छा लगा वैसे? वाइट वाला बहुत सुंदर था ना, जो ब्लिंक वाला था, जो इसका स्टेप वाला ब्लाउज था। हमने वैसे वाले लहंगे देखे, हमने वैसे वो वाले शॉर्ट ले लिया लहंगो के, अब ट्राई वाले मैं अलग से डालूंगी। Finally, after years. चलो और अब हम जा रहे हैं ट्रेड पे, देखते हैं शायद पहुंचते खत्म हो जाएगा, बट लेट्स डू। हम गलत दिन आ गए हैं, संडे एंड लास्ट सेकेंड डे। फाइनली ट्रेड फेयर आफ्टर एजेस। ये है वस्त्र उपहार, शैक्षिक वस्तुएं, हस्तशिल्प। यार थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है, चलो कोई फन वाले में चलते हैं। काफी बड़ा है ये तो। घरेलू वाला सामान लिया है मैंने, सब बोलेंगे शादी के बाद बिल्कुल चेंज हो गई, मैंने बिल्कुल भी फैशनेबल सामान नहीं लिया, सारा घरेलू वाला सामान लिया। खाने पीने का लिया है, पर काफी सही रेट पे मिल गया। प्राइस सही थे, अच्छे थे। अब इतनी दूर आया तो ऐसा लगता है कि यार कुछ लेके जाओ, है ना। ज्वेलरी भी लिया, सारे घरेलू नहीं लिए। हो गया हमारा फाइनली कवर।